तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बिजनेस एनवायरनमेंट, तो व्हाट इज अ बिजनेस एनवायरनमेंट? बिजनेस एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ ऑल द आइटम्स और द फैक्टर्स विच कैन इन्फ्लुएंस द एनवायरनमेंट इन विच अ बिजनेस ऑपरेट्स, ठीक है। तो इट इंक्लूड्स, इट रेफर्स टू ऑल दोज आइटम्स विच कैन इन्फ्लुएंस द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एडवर्सली और फेवरेबली, और फेवरेबली, क्लियर। तो व्हाट इज अ बिजनेस एनवायरनमेंट? इट रेफर्स टू ऑल दोज आइटम्स विच कैन इन्फ्लुएंस द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ईदर एडवर्सली और फेवरेबली। एडवर्सली मतलब नेगेटिवली, और फेवरेबली का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव। मतलब यहाँ पे अगर एडवर्स इफेक्ट आएगा तो यू इनकर अ लॉस। एडवर्स इफेक्ट की वजह से आपको क्या होगा? द बिजनेस एनवायरनमेंट विल इनकर अ लॉस। और अगर फेवरेबल इफेक्ट आएगा, फेवरेबल इफेक्ट आएगा, तो बिजनेस एनवायरनमेंट विल स्टैंड टू गेन। बात समझ में आ रहा है? क्लियर। अच्छा, अब एग्जांपल्स कैन बी, व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ अ बिजनेस एनवायरनमेंट? साउंड बिजनेस एनवायरनमेंट के क्या क्या एग्जांपल्स हैं? जैसे सपोज फॉर एग्जांपल क्रेडिटर्स, नो नॉट क्रेडिटर्स, लॉज मेड बाई द गवर्नमेंट। सरकार जो कानून बनाया उन कानूनों का इम्प्लीकेशन, ठीक है। देन एक्सीलेंट मैनेजमेंट, न्यू टेक्नोलॉजी, एक्सीलेंट मैनेजमेंट, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी, और फिर और बताओ, इन्फ्लेशन, और फिर वो उसका पॉजिट दाम बढ़ना जैसा भाई था, तो उसका पॉजिट होगा फिर ऑपोजिट को बोलते हैं हम लोग डिफ्लेशन। या रिसेशन, ठीक है। तो दीज आर द फैक्टर्स विच कैन इन्फ्लुएंस द बिजनेस एनवायरनमेंट। तो लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन। तो व्हाट आर द फैक्टर्स विच कैन इन्फ्लुएंस द बिजनेस एनवायरनमेंट? लॉज मेड बाय द गवर्नमेंट, एक्सीलेंट मैनेजमेंट, न्यू टेक्नोलॉजी, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन और रिसेशन एक्सेट्रा, ठीक है। अब बिजनेस एनवायरनमेंट को टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट? यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, दैट इज एक्सटर्नल एंड इंटरनल, ठीक है। ग्रुप में से डालना जरूर है, डाल देते हैं। हम लोग का फोन तो पूरा लोड से ही भरा हुआ है, पर हम तो दोनों ग्रुप में से मैं तो ऑन, ठीक है। तो इसके बाद अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स और उसके क्या क्या फीचर्स हैं, उसमें क्या क्या चीज़ आता है। तो
बहुत दिन से बंद पड़ा हुआ था ना इसलिए, तो बोर्ड में क्या होता है ना थोड़ा सा ये आ जाता है वो वो पाउडर पाउडर कलर का कुछ वाइट वाइट कलर का वो सब आ जाता है। हाँ डस्ट भी थोड़ा मोड़ा घुसता है तो वो सब की वजह से भी थोड़ा सा यूज़ करते करते ठीक हो जाएगा। अभी देखो तो क्या डिस्कशन कर रहे थे, टाइप्स। तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स, वन इज द इंटरनल और दूसरा है एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट। अच्छा इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज आता है थोड़ा सा बता दो। क्रेडिटर कोई भी जो नॉर्मल चीजें हैं इंटरनल कैपिटल हो सकता है इंटरनल में एम्प्लॉइज एक अच्छा एम्प्लॉई बहुत ज्यादा मदद करता है मैनेजमेंट को ग्रो करने में। अच्छा और क्या हो सकता है, मैनेजमेंट गुड मैनेजमेंट इट इज इंटरनल और कैपिटल आप सही बोले द लार्जर द कैपिटल द लार्जर द चांस दैट द ऑर्गेनाइजेशन विल ग्रो। अच्छा और क्या हो सकता है बताओ, रिसोर्स और रिसोर्सेज और लेबर सच एज लैंड लेबर खत्म टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी बेसिकली सर जो बिजनेस का खुद का होता है बिजनेस तो का हाथ में खुद के हाथ में जो जो है वो हो गया आपका इंटरनल। और एक्सटर्नल में क्या क्या होगा, गवर्नमेंट लॉज ऑफ गवर्नमेंट बिल्कुल फिर मार्केट फेवरेट लॉज ऑफ गवर्नमेंट उसके बाद क्रेडिटर्स और फिर सर वो जो आप लिखवाए थे ना क्या बोलते हैं सर बढ़ना घटना इन्फ्लेशन और इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन या रिसेशन ठीक है। तो ये सब हो गया आपका एक्सटर्नल। मैं स्नैप लेकर के ग्रुप में डालू अच्छा ये तो हो गया टाइप्स। अच्छा अब हम लोग डिस्कस कर सकते हैं प्रीवियस क्लास में और कुछ खास हुआ नहीं था और भी होता क्या सर था कि किस पे का कंट्रोल है किस पे नहीं और किसको हम लोग अंडरस्टैंडिंग द एनवायरनमेंट है वो रखा और बस वो सोर्स वाला अच्छा ठीक है चलो उसको भी कर ही लेते हैं। कंट्रोल का जहाँ तक बात है तो ऑब्वियस सी बात है कि इन चीज़ों पे यू कैन हैव कंट्रोल, कंट्रोल इज मोर और इन चीज़ों पे कंट्रोल बहुत ही कंट्रोल इज लेस ठीक है ना के बराबर समझ आया आपको। अच्छा उसके बाद और क्या डिस्कस किए थे बेटा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट उसमें हम लोगों ने क्या क्या डिस्कशन किया था बताओ सर, वही कि हम लोग कैसे मतलब अंडरस्टैंड कर सकते हैं सर उसको बचाने के लिए नहीं सर स्नैप लेते हैं अच्छा ठीक है कोई बात नहीं सर यही था सर उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कैसे बचा सकते हैं क्या लिखा हुआ है पढ़ के सुना। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एनवायरनमेंट In internal environment, we try to identify the strength and the weakness of the environment. Oh. SWOT analysis. Yeah, that. नहीं SWOT पूरा नहीं. अगर external environment. Internal and weakness. Internal environment का जब हम लोग उसको समझने का कोशिश करते हैं, understand करने का कोशिश करते हैं. Understanding. The business environment.
अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट. तो जहाँ तक इंटरनल एनवायरनमेंट का बात है, उसमें हम लोग दो चीज को ही इम्पोर्टेंस देते हैं. स्ट्रेंथ और वीकनेस. इसमें हम लोग चेक करते हैं द स्ट्रेंथ्स एंड द वीकनेसेस. और जहाँ तक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का बात है, तो इसमें हम लोग अगेन दो चीज़ों पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, स्ट्रेंथ्स अपॉर्चुनिटीज एंड स्ट्रेंथ्स. समझ आ रहा है? क्लियर है? आजकल का बच्चा कितना बदमाश है. एक आंटी आई थी उस दुकान में, ठीक है, आपकी दुकान है, तो ना वो ना बोला कि हमको चॉकलेट चाहिए, तो वो बोला चॉकलेट वहाँ पे नहीं था. तो वो पता है क्या धमकी दिया कि तुमको चॉकलेट दिलाती है कि हम रोड पे भाग जाए. और सर भाग भी गया था, उसकी मम्मी उसके पीछे पीछे दौड़ के उसको बचाई. पबजी वाला इतना छोटा सा बच्चा था. हो गया बेटा? नहीं सर, अर्चिता का नहीं हुआ. सर ये याद है, ये तो खुद से भी लिख दिया. ठीक है, अच्छी थी. तो अब हम लोग नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद टुडेज क्लास, दैट इज फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट. तो फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर तीनों एक साथ है, बिकॉज तीनों का तीनों सेम चीज को रिप्रेजेंट कर. Features. तो सबसे पहला वाला क्या है? All the external forces. All the external forces comprise of the business environment. ठीक है? Are included in the business environment जितने external forces हैं सारे के सारे business environment में included होता है. these forces directly or indirectly affect the business environment. जैसे example, inflation, recession in the economy. Inflation, recession in the economy, etc.
अच्छा ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, तो ये बिजनेस एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करता है. yes, sir. और उसके बाद है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस. स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस. The specific forces comprise of the specific forces comprise of investors. उसके बाद और कौन हो सकता है? कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स, सप्लायर्स एटसेट्रा. इन शॉर्ट दीज रिप्रेजेंट the human aspects. These represent the human aspects. Or general or non-specific forces represent the non-human. चलिए उसी पे टॉपिक है, इसी पे टॉपिक है, इसी के अंदर है. हाँ, अलग पॉइंट नहीं है. non-human forces such as social, legal, उसके बाद technological, political, forces which affect the environment. पीने का पानी लाए. आज आज कल कल तो शायद खुला ही इंस्टीट्यूट. अभी बहुत कुछ करना बाकी है. देखो ना, गंदा है पूरा इंस्टीट्यूट भी है. हाँ, तो अभी बहुत सारा काम करना बाकी है. कल तो खुला बहुत दिन बाद. परमिशन तो खैर बिना परमिशन के ही हम लोग खोल रहे हैं. बट वही है, काम वाम करवाना होगा बहुत सारा. यहाँ पे प्रोजेक्टर बैठेगा, यहाँ पे ये होगा, वो क्या कहते हैं उसको, वाइट टाइम लगने वाला है, वाइट बोर्ड टाइप पर बैठाएंगे. बहुत सारा काम है, तब तक हम लोग पार हो जाएंगे. बहुत सारा काम है, पूरा इसको गेटअप पूरा का पूरा स्ट्रक्चर चेंज करना है. हम यही रहेंगे.
इसका जो स्पीकर है हमको एक अच्छा माइक बताइए ना, माइक आई नीड अ गुड माइक सर, यही बता सकते हैं टेक्नोलॉजी के।